फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज हम आपको वन ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र बनाना सिखाते हैं, जिसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। इसकी लेंथ हमने 17 इंच ली है और चौड़ाई इसकी 14 इंच है। ये देखिए हमने इसको डबल कर लिया है, डबल हुआ हुआ कपड़ा है ये हमारा, दो पीस हैं। यहाँ से हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको एक अलग अलग कर लिया है, एक बार और हम इसको मोड़ लेते हैं। यहाँ से हमें इसको फिर अलग अलग कर लेना है। हमने इसको चार पीस कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, हमने चार पीस इसके कर लिए हैं। अब ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसके साथ का ही, इस तरीके से ये लंबी सी पट्टी है, इसको हमें डबल कर लेना है। ये चौड़ाई में 10 इंच की पट्टी है, हमें इसको 5-5 इंच की अलग अलग पट्टी कर लेना है। ये देखिए हमने इसको अलग अलग पट्टी को कर लिया है। अब हमें इसमें यहाँ पर नीचे की साइड से 2 से 3 इंच छोड़ देते हैं हम, यहाँ से 2 से 3 इंच के करीब छोड़ देते हैं और सीधा निशान लगा लेते हैं इसमें। फिर हम 2 इंच पर निशान लगाते हैं इसमें, 2 इंच पर और लगाते हैं। इसी तरीके से हमें इसमें पूरी पट्टी में 2-2 इंच के अपने निशान लगाकर तैयार कर लेनी है। पूरी पट्टी में सेम हमें ऐसे ही निशान लगा लेने हैं, जिससे जब हम इसमें प्लेट्स डालें तो हमारी प्लेट्स छोटी बड़ी नहीं हों, बिल्कुल बराबर आएँ। ये 2 इंच पर हमने निशान लगा रहे हैं। अब आप देखिए हमें इसको इस तरीके से यहाँ से एक निशान को छोड़ देना है और एक निशान पर प्लेट डालनी है, फिर एक निशान को छोड़ देना है, फिर दूसरे निशान पर प्लेट डालनी है। इसी तरीके से ये देखिए इस तरीके से हाफ प्लेट हमें इसमें डालनी है। ये देखिए फ्रेंड्स 2 इंच का हमने नीचे से छोड़ दिया है। अब हम यहाँ से बीच से जो हमारा निशान लगा हुआ है उसको इस तरीके से करते हैं, 1 इंच की चौड़ी हमें ये प्लेट डालनी है। ये देखिए एक प्लेट हमने डाल दी है। अब ये हमारी इतनी दूरी हो गई है, अब हमें दोबारा से इसी तरीके से 1 इंच की प्लेट डालनी है। ये देखिए यहाँ से हम फिर 1 इंच की प्लेट डाल लेते हैं, एक निशान बीच में हमें छोड़ देना है और एक निशान पर प्लेट डाल लेनी है। ये देखिए इतनी दूरी दूरी पर हमें ये प्लेट डालनी है। इसी तरीके से हमें प्लेट डालकर पूरे कपड़े को अपने तैयार कर लेना है। ये देखिए हमें पूरे प्लेट इसी तरीके से डालनी है, ये हमने प्लेट डाल ली है। अब हमें इन प्लेटों को इस तरीके से बीच में से करना है और यहाँ पर साइड में सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से हमें इसी तरीके से प्लेट को कर लेना है, सिलाई को बीच में कर देना है और इसको इस तरीके से करते हुए हमें साइड में सिलाई लगा लेनी है। सभी प्लेट को हमें सेम इसी तरीके से करना है। अब ये प्लेट भी हमें इसी तरीके से करनी है। दोनों पट्टी है, दोनों मोहरी की पट्टियों को फ्रेंड्स हम इसी तरीके से प्लेट्स डालकर अपनी तैयार कर लेते हैं और उसमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र बनकर तैयार हो जाता है। ये 1 ईयर बेबी के लिए है। इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसको आप किसी भी टॉप के साथ पहना सकती हैं बेबी को, ये बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद। अब हमें इस साइड से भी इसी तरीके से सेम सिलाई लगा, ये देखिए इस साइड से भी हम ऐसे ही सिलाई लगाकर इसको प्लेट्स को सेट कर लेते हैं। ये बीच में हमारी 1 से 1.5 इंच तक की दूरी, 1 इंच की दूरी हो जाती है और 1 इंच की ही हमें प्लेट डालनी है, इसलिए हमने 2-2 इंच पर इस पर निशान लगाए थे। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इस पर प्लेट डलकर तैयार हो गई है। अब हमें अपना एक पीस लेना है
और इसको इसके बराबर में रख देना है। अगर आपका कपड़ा छोटा बैठ रहा हो तो आप एक प्लेट्स ऊपर की साइड से खोल सकती हैं, और अगर ज़्यादा बैठ रहा हो तो थोड़ा सा कपड़ा काट सकती हैं। ये हमें ऐसे इसके ऊपर रख कर सिलाई लगा लेनी है। दोनों पीस को हमें सेम अपने इसी तरीके से तैयार कर देना है। ये देखिए हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया है, इसको हम काट देते हैं। अब हमें यहाँ पर इस साइड भी ये रख कर तैयार कर लेनी है। ये देखिए दोनों तरफ हमने अपने जो पट्टियाँ काटी थी वो पट्टियाँ इसमें जोड़ ली हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है वो हमने काट लिया है। अब हमें इसको इस तरीके से करना है, और ये सिलाई, ये सारा कपड़ा वाइट कपड़े की तरह के नीचे को करते हुए इसके ऊपर एक किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। अगर हम ऊपर की साइड ये सिलाई लगाते हैं तो हमारे इसमें फिनिशिंग भी आ जाती है, और ये सेट भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखिए अब हम दूसरी साइड भी अपने इसी तरीके से कपड़ा इस वाइट कपड़े के नीचे की साइड को करते हुए अब हमें इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है। एक पैर की हम इसके बराबर में सिलाई लगा लेते हैं, दोनों तरफ हमें दो सिलाई लगानी है। ये देखिए ऐसे हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। दोनों साइड में हमने ये सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। दूसरा पीस भी हमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। ये हमने दोनों पीस सेम ऐसे ही तैयार कर लिए हैं प्लेट्स डालकर। अब हमें सुई में डबल धागा पिरो लेना है और इस पर बीच में निशान लगा लेना है सभी प्लेटों पर। आप चौक की मदद से भी लगा सकती हैं और ऐसे भी लगा सकती हैं। अब इसमें थोड़ी पास पास हमें सुई पिरोनी है और इसमें इस तरीके से धागे को खींच लेना है। ये देखिए हमारी ऐसे इसमें बीच में प्लेट्स पड़ गई है। अब हमने ये मोती लिए हैं, इन मोती को हमें सुई में पिरो लेना है और इसके ऊपर लगा देना है। ये देखिए मोती को हमने इसके अंदर पिरो लिया है। अब हमें इसमें दोबारा से धागा निकाल देना है और इसको ऐसे पक्का कर लेना है। नीचे की साइड से भी हम इसको इसी तरीके से पक्का कर लेते हैं। अब धागे को काट देते हैं। हमें दूसरी प्लेट्स में भी इसी तरीके से मोती लगाना है। पहले हमें इसमें बीच में से निशान लगाना है, उसके बाद हमें सिर्फ जो ऊपर की प्लेट्स है उस प्लेट्स में सुई को डालना है पास पास। अब धागे को खींच लेना है, इसको दो बार हम डालते हैं। ये देखिए हमारी ऐसे प्लेट्स डलकर तैयार हो गई है। इसमें हमें मोती लगा देना है। फ्रेंड्स सभी प्लेट्स में हमें इसी तरीके से मोती लगाकर इसको तैयार कर लेना है। हमें सब प्लेट्स में अपने इसी तरीके से मोती लगाकर और इसमें चुन्नट डालकर तैयार कर लेना है। नीचे की साइड से हम इसको पक्का कर लेते हैं दो तीन बार, ताकि ये मोती हमारा खुले नहीं। ये देखिए हमने यहाँ पर सब प्लेट्स में इसी तरीके से मोती लगा दिए हैं अपनी दोनों में। कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसको डबल कर लेना है। दूसरा पीस भी हमें इसके ऊपर डबल करके रख देना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसके ऊपर डबल करके रख दिया है दोनों पीस को। इसकी इस तरीके से चौड़ाई 9 इंच बैठ गई है। यहाँ से हमें 1.5 इंच का चौड़ाई में ले लेना है और 8 इंच का लंबाई में आसन का निशान लगा लेते हैं। इसको चकोर कर लेते हैं, इसमें गोलाई कर देते हैं हम आसन में। ये देखिए यहाँ से 5 इंच की हमें मोहरी रखनी है, मोहरी पर निशान लगा लेते हैं और इसको आसन से मिला देते हैं मोहरी के निशान को। अब इसमें 1/2 इंच को अंदर की साइड को हमें गोलाई कर देनी है, ताकि ये यहाँ से बेबी के ज़्यादा लूज ना रहे।
अब हमें इसको काट लेना है, यहाँ से थोड़ा सा सीधा रख लेना है हमें। ऊपर की तरफ से आसन को भी काट लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कटिंग होकर तैयार हो गया है। ये हमने 14 इंच की इलास्टिक ली है। नीचे की तरफ से मोहरी हमें मोड़ लेनी है। ये हम आधा इंच की नीचे से मोहरी मोड़ रहे हैं अंदर की तरफ को करते हुए। अब हमें इस पर किनारे पर एक और सिलाई लगा लेनी है, जिससे इसमें अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ जाए। ये हमने दोनों मोहरी में सिलाई लगा ली है। ये हमारा आसन है। आसन को हमें दोनों को मिला लेना है और अंदर की तरफ एक सिलाई लगा लेनी है। इसमें हमें कट लगा लेना है, इसको पलट लेना है और इसका कपड़ा हमें उस साइड करना है जिस साइड हमें सिलाई लगानी है। कपड़ा हमें सब सिलाई के नीचे करना है। एक और सिलाई हम इसके ऊपर लगा देते हैं। दो सिलाई यहाँ पर हमें लगानी है ताकि इसका लुक अच्छा बैठ जाए आसन का और ये जल्दी से फटे भी नहीं। दोनों तरफ हमने आसन की सिलाई लगा ली है। अब ये हमारी मोहरी है। मोहरी को हमें इस तरीके से अलग अलग कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। हमें मोहरी के ऊपर दो सिलाई लगानी है। हल्का सा खींच कर मोहरी पर सिलाई लगाते हैं हम ताकि हमारी सिलाई खींचे नहीं। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा प्यारा सा ट्राउज़र बन गया है। यहाँ से हमें नेफा मोड़ना है। नेफे को हमें लास्टिक से मोड़ लेना है। लास्टिक से थोड़ा सा ही फालतू हम नेफे को मोड़ते हैं ताकि हमारी लास्टिक अच्छी तरीके से फिर जाए इसके अंदर। सब जगह से हमें बराबर मोड़ना है नेफे को। ये हमने थोड़ा सा हिस्सा खोल लिया है। अब लास्टिक को पिन में लगा लेते हैं और इसको पिरो देते हैं इसके अंदर। ये देखिए कितने आराम से हमारी लास्टिक पिर रही है। यहाँ से निकाल लेते हैं। अब हम दोनों हिस्सों को इस तरीके से मिला देते हैं और इस पर सिलाई लगा देते हैं। सिलाई हमें पक्की लगानी है, दो तीन सिलाई लगानी है। ये खुला हुआ हमारा हिस्सा है जिसमें को हमने लास्टिक पिरोई है, इस पर हम सिलाई लगा कर बंद कर लेते हैं। ये देखिए लास्टिक लगा कर ये हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया है। आप बचे हुए पीस में से इसी तरीके से बेबी के ट्राउज़र बना सकती हैं। हमने काफ़ी डिज़ाइन ट्राउज़र के डाले हुए हैं अपने चैनल पर। आप इसको किसी भी टॉप के साथ बेबी को पहना सकती हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा ये बन गया है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।